शिवराज सिंह चौहान पूरी तरह फेल हो चुकी है सरकार। किसानों को ना डीपी टाइम पे मिल रही है, ना खाद मिल रहा है। आज हजारों रुपए किसान अपनी खेती में। ये गुस्सा, ये शोर, ये हंगामा, लाइनों में खड़े लोगों को देखकर माजरा नहीं समझ आया तो आइए हम बताते हैं। खाद के लिए किसान परेशान है और ऐसे में प्रदेश के मुखिया हो या विपक्ष के नेता, दोनों किसानों की परेशानी दूर करने पर आमादा है। लेकिन किसानों की इस परेशानी में सियासत भी दिख रही है, तो वहीं नियमों का उल्लंघन भी देखिए। ये शटर उठाता कोई किसान नहीं बल्कि आलोट विधायक मनोज चावला है, जिन्होंने खाद गोदाम का शटर उठाया और किसानों को खाद ले जाने को कहा। इतना ही नहीं, विधायक राज्य सरकार पर जमकर बरसते नजर आए और कांग्रेस एक बार फिर किसानों के मुद्दे को हथियाती दिखी। विधायक के कहने पर किसान अंदर घुसे और गोदाम से यूरिया खाद की बोरियां उठा ली। क्या मामला था और किसानों को क्या समस्या यहां पर उत्पन्न हो रही है? शिवराज सिंह चौहान पूरी तरह फेल हो चुकी है सरकार। किसानों को ना डीपी टाइम पे मिल रही है, ना खाद मिल रहा है। आज हजारों रुपए किसान अपनी खेती में लगा चुका है, आज उनने बीज डाल दिया है और उसको जरूरत है डीपी की, ताकि डीपी उपलब्ध हो तो पानी उपलब्ध हो और पानी के बाद में खाद की आवश्यकता है। लेकिन देखिए, दो दो दिनों से लोग यहाँ पे लगातार परेशान हो रहे हैं और कोई सुनने वाला उनकी नहीं है। हमें जैसे पता चला, हम लोग आए, हमने व्यवस्था बनाने का काम किया, अभी दो दो बोरी सबको खाद यहाँ पे दिया जा रहा है। दो दिन से ऐसी ही समस्या चल रही है और आगे भी ऐसी ही समस्या चलने की संभावना है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल, हम लोग मैदान में लड़ेंगे, डट के लड़ेंगे किसानों के लिए, हर व्यक्ति के लिए लड़ेंगे, हम डट के लड़ेंगे, चाहे मैदान में जान लगा देंगे लोगों की। चुनाव और सियासत में किसान हमेशा से धुरी रहा है और फिलहाल विपक्ष इसे भुनाने में कसर छोड़ना नहीं चाहता। कांग्रेस नेता योगेंद्र सिंह जादौन ने भी गोदाम पर मौजूद अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार किसानों को सम्मान निधि के नाम पर मूर्ख बना रही है, किसान परेशान है। लेकिन वहीं दूसरी ओर नियम दरकिनार होने पर लापरवाही को देखते हुए एसडीएम को हटाया गया। साथ ही कलेक्टर ने बताया कि खाद की कोई कमी नहीं है, सर्वर खराब होने के बाद आलोट जो हुआ वो गलत है। एसडीएम को हटाने की कार्रवाई हुई तो विधायक के खिलाफ एफआईआर होगी। शुरू करते हैं सर, रतलाम जिले में खाद की क्या स्थिति है? देखिए, रतलाम जिले में खाद की स्थिति काफ़ी सुदृढ़ है। रतलाम जिले में अब तक लगभग 18,000 मेट्रिक टन यूरिया का की आवक हुई है, जिसमें से हम लोगों ने लगभग 15,000 मेट्रिक टन यूरिया का वितरण किया है। आज भी ज़िले में लगभग 3,500-4,000 मेट्रिक टन यूरिया विभिन्न उर्वरक सेंटर पर उपलब्ध है। निश्चित रूप से जिस स्थिति की आप बात कर रहे हैं, वो सर्वर डाउन होने के कारण जो पॉज सिस्टम होता है वो थोड़ा सा स्लो चल रहा था। हम लोगों ने विभिन्न स्थानों पर जो मैनुअल जो वितरण होता है, मैनुअल वितरण करने की भी व्यवस्था की, ताकि किसानों को किसी प्रकार की खाद की स्थिति का सामना न करना पड़े। सर्वर की समस्या के कारण से कल और आज कुछ समस्याएं हुई थी, जिसका हमने मौके पर तत्काल दोनों दिन, कल भी हम लोगों ने लगभग 2,500 कृषकों को खाद बांटा है सर्वर डाउन होने के पश्चात भी, और आज भी हम लोगों ने लगभग 1,500-1,600 कृषकों को पूरे ज़िले में खाद का वितरण किया है। तो खाद के वितरण की व्यवस्था यहाँ पे बहुत अच्छी है, खाद्यान्न का खाद का पर्याप्त भंडारण है। इसके अलावा दूसरे डीएपी और इत्यादि जो खाद है वो भी पर्याप्त मात्रा में हमारे ज़िले में उपलब्ध है। यही कारण है कि पिछले दिनों कोई भी घटना या कोई भी किसी प्रकार के बड़े जो आंदोलन है वो यहाँ पे नहीं हुए, बहुत अच्छी स्थिति है। सर, आलोट में ऐसी आई कि डिजिटल एंट्री के कारण आपको कुछ खाद की दिक्कत आई, तो क्या कुछ ऐसा करेंगे कि आप डिजिटल एंट्री अलग करके खाद को किसानों को सुचारू रूप से कार्य करें, तो आलोट जैसी घटना कहीं नहीं हो? आलोट की घटना से मैं आपका तात्पर्य समझा नहीं हूँ, लेकिन आज ये जरूर है कि सर्वर की समस्या को लेके कुछ किसान या कुछ जनप्रतिनिधि ने किसी सोसाइटी के गोडाउन में प्रवेश किया था और ये प्रवेश बड़ा आपत्तिजनक है। इस बाबत सोसाइटी के माध्यम से जो राजनीतिक व्यक्ति जो गोडाउन में
प्रवेश किए थे उनके विरुद्ध हम लोग FIR भी दर्ज करा रहे हैं और पुलिस उसके आगे की जांच करेगी। फिलहाल जांच होगी, कार्रवाई होगी, लेकिन वहीं दूसरी ओर ये साफ दिख रहा है कि एक बार फिर खाद का मुद्दा राजनीति की जड़ों को फिर मजबूत कर रहा है, जिसमें किस पार्टी की फसल लहलहाएगी ये आने वाला समय बताएगा। पंजाब केसरी के लिए समीर खान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।